हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी कोई भी न्यू रेसिपी आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बालूशाही बनाऊंगी, जिसे माखन बड़े भी कहते हैं। इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो इस प्रकार हैं। 2 कटोरी मैदा, 2 कटोरी शुगर, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1/2 कटोरी घी, थोड़े से केसर लिए जिसे मैंने पानी में डाल के रख दिया है, गार्निशिंग के लिए पिस्ता, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। चलिए स्टार्ट करते हैं बालूशाही बनाना। मैदे के अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें घी डालेंगे, अब इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाना है। देखिए अच्छे से मिल चुका है। अब इसे पानी डाल के, आटा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बस इकट्ठा कर लेंगे, बाइंड करना है इसे बस। देखिए बाइंड कर लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक चाशनी बना लेते हैं। 2 कटोरी शुगर में 1 कटोरी पानी डाल देंगे। अब गैस चलाएंगे, मीडियम फ्लेम पे अभी से चलाते रहेंगे जब तक शक्कर घुल नहीं जाती है। नहीं, बन चुकी है। इसे चेक करने के लिए आप चम्मच में ले ऐसे थोड़ी, और फिर देखिए लास्ट की ड्रॉप में एक तार बनना चाहिए। देखिए बन रहा है, नहीं तो आप इसे हल्का सा अंगुली पे लेके भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए बन रहा है, बन गई है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और केसर डाल देंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट हो गया था, गैस बंद कर दिया है, केसर ऑप्शनल है। अब इसे ढक के साइड में रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी बालूशाही बना लेंगे। बालूशाही बनाते हैं तब तक घी गरम होने के लिए रख देते हैं। 1 कढ़ाई में घी डाल के रख दिया है गरम होने के लिए। बालूशाही बन चुकी है, घी भी हल्का गरम हो चुका है। अब इसमें बालूशाही डालेंगे। एकदम धीमे रखना है गैस को, मीडियम फ्लेम पे धीमे रखेंगे गैस को, जब तक ये अपने आप ऊपर नहीं आ जाती नहीं हिलाएंगे इनको। 10 से 15 मिनट लगते हैं पकने में। अब थोड़ा गैस की फ्लेम तेज कर देंगे, कम ज्यादा करते रहेंगे। ऊपर आ गई है बालूशाही, अब इसे पलट देंगे। अब गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। बालूशाही सिक चुकी है। अब इन्हें 2 मिनट के लिए पहले प्लेट में निकाल के रख देंगे, थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर चाशनी में डालेंगे। हो गए हैं, अब इन्हें चाशनी में डाल देंगे। अब इसी प्रकार सारी बालूशाही फ्राई कर लेंगे। 2 से 5 मिनट के लिए रखेंगे, चाशनी में डिप करेंगे इन्हें अच्छे से। ऐसे ही सब बना लेंगे। देखिए एकदम अच्छे से बनी है बालूशाही, कलर भी एकदम अच्छा आया है। मैंने बालूशाही को पिस्ता से गार्निश कर दिया है।
ये आप जरूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी बनी है। ये आप बनाएंगे तो मार्केट वाली लाना भूल जाएंगे। इसे कभी भी बनाओ आप, किसी भी फेस्टिवल में बनाओ, लोगों को, बच्चों को, सबको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।